ये सिर्फ बिहार के लिए है, क्योंकि मैं बार बार यहाँ आता हूँ, पटना आता हूँ, इतने प्रेम से मिलने का मौका नहीं मिलता, इसलिए बार बार जो आप लोगों ने भी कल्पना नहीं किया होगा उसको भी नचाऊंगा भोजपुरी में। पावर खत्म ना हुई। नमस्कार दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री का एक ऐसा शेर जिसके गाने पर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया झूमने लगती है, जिसका नाम आते ही यूट्यूब हैंग हो जाता है, ट्रेंडिंग पे ट्रेंडिंग होते हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनने लगते हैं और विरोधियों तथा जलने वाली की नींद उड़ जाती है। वो भोजपुरी के किंग पावर स्टार पवन सिंह का इतिहास रचने वाला समय आ गया है। दोस्तों आपको याद करने की जरूरत है कि एक बार पावर स्टार पवन सिंह ने कहा था, जो आप लोगों ने भी कल्पना नहीं किया होगा उसको भी नचाऊंगा भोजपुरी में, और अब वो समय आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी के किंग कहे जाने वाले पावर स्टार पवन सिंह बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान को नचाने वाले हैं अपने गानों में। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे। इससे पहले अगर आप भी पवन सिंह को दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कॉमेंट में पावर स्टार की जय लिख दीजिए, क्योंकि भोजपुरी का नाम और पवन फैंस का जलवा पावर स्टार ने आज बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किंग खान से प्रसिद्ध शाहरुख खान बॉलीवुड के सबसे बड़े और महंगे एक्टर हैं। यहाँ तक ही नहीं, के सामने बड़े बड़े सलाम ठोकते हैं, लेकिन भोजपुरी के शहर कहे जाने वाले पावर स्टार पवन सिंह ने शाहरुख खान को नचाने का मन बना लिया है। दोस्तों पावर स्टार के एक गाने की शूटिंग नए साल के अवसर पर शूट होने वाला है, जिसमें पावर स्टार ने इस बार बॉलीवुड के दबंग को अपने साथ नचाने वाले हैं। दोस्तों यूं समझ लीजिए कि शाहरुख खान को भोजपुरी में नचाना हाथ से पहाड़ तोड़ने जैसा है, पर आज पावर स्टार ने भोजपुरी का दबदबा इतना बढ़ाया है कि किंग खान को भी झुकना पड़ा है किंग पवन के सामने। इस बार नए साल के मौके पर एक शेर के साथ दूसरा शेर देखने को मिलेगा एक ही गानों में, और इतिहास में पहली बार ऐसा मुमकिन हो पाया कि सिर्फ और सिर्फ पवन फैंस के वजह से। अगर आप भी उनमें से एक है तो दबा के लाइक और शेयर के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।